देखिए ना कितना बढ़िया से सब काम कर रहा है, एक एक चीज है, सबकी आमदनी कितनी बढ़ी है, सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज बांका के मनिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो पुश्तैनी यहां के कामगार है, जो लगातार चांदी का मछली बनाते हैं, उनके कामों को देखा, उनकी कला को परखा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि जरूरत है इनकी कला को पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में विकसित करने की। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनिया गए, जो मछली के कारोबारी हैं, जो मछली चांदी के चांदी से मछली बनाते हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो बहुत पहले ही 10-11 के बाद ही सभी जगहों का जो हम दौरा 9 के बाद कर रहे थे ना, ये सब देखे थे कि कई जगहों पर क्या होता है, तो उसी समय से हम लोगों ने तय किया कि सब जगह के लिए इस तरह का काम होना चाहिए। तो आज हम कोई लोग कार्यक्रम रखे और यहाँ पर हम बहुत प्रभावित रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, तो इसलिए आज हमको लेकर के आए दिखाने के। तब देखिए ना कितना बढ़िया से सब काम कर रहा है, एक एक चीज़ है, सबकी आमदनी कितनी बढ़ी है, सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। हम तो कहे हुए हैं ना भाई, देखिए आप देखते हैं ना, कृषि रोड मैप जो शुरू किए, तो शुरू में हम क्या करते कि दुनिया के हर लोगों को हर घर तक कोई ना कोई बिहार का ही चीज खाने को मिले। सर, इसी सबसे ये सब जो हो रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली का सर समाधान यात्रा ही क्यों नाम दिया गया सर? इस समाधान इसलिए दिया गया है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, या जहाँ भी जाते हैं तो लोग अपनी शिकायत सुनाते हैं ना भाई, अपनी समस्या सुनाते हैं, तो उन लोगों की बात सुनेंगे तभी ना समाधान, एक तो वो है और दूसरा हमारा मकसद कि जो भी काम कर रहे हो तो देखेंगे, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो जो काम हो रहा है उसको और बेहतर करने की कोई ज़रूरत है तो उसके बारे में बात होती है, या जो भी काम हो रहा है इसके अलावा कोई काम होना चाहिए, कहीं रास्ता बनना चाहिए या कहीं कोई और काम होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम किया गया है तो उस काम का फायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब कुछ जानना जरूरी है, इसलिए हमारा मकसद वही है। तो अच्छा ही वेटरनरी वाला बोले हैं, आज कुछ ऐसी समस्याएं भी देखने को मिली, जो बनाते हैं मछली उनका कहना कि बाहर दूसरे शहरों में अगर हम ले जाते हैं तो पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी हमें तंग करते हैं, उसका मांगा जाता है कि चांदी कहाँ से लाए आप, इस तरह की शिकायतें वहाँ पे लोगों ने की। प्रतिबंध तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ का भी जो कर रहा है वो दूसरे राज्य में कहीं ले जा सकता है, वो सिर्फ यहाँ के लिए थोड़ी है, कोई भी कुछ होता कहीं भी होता है, मैंने बताया ना देश भर में कोई कहीं कोई काम करता है तो सिर्फ अपने इलाके में करता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, तो हम लोग भी जो काम करें, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई है ना कि हर आदमी तक हम लोगों का बिहार का कोई चीज़ पहुँच जाए, तो उसी सिलसिले में सब चीज़ को कर रहा है और बढ़िया है, और बोल रहा है कि बाहर कितना लोग ले रहा है तो अच्छा ना है, तो किसी को रुकावट नहीं, अगर आपको तुरंत, इसलिए हमने बता दिया जरा सा आप एसपी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार उनकी सरकार जन जन तक विकास योजना पहुँचाने का काम कर रही है और वो चाहते हैं कि मनिया सहित पूरे जो भागलपुर बांका या पूरे बिहार में जो जो गांव विकास से दूर रह गए हैं वहां तक विकास की किरण पहुंचे और पूरा इलाका विकसित हो सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज बांका।